भुवनेश्वर कोविड मुकाबला पई बीएमसी पदक्षेप एणिकी घर को जाई वरिष्ठ नागरिक कोविड परीक्षा कराइबो बीएमसी आसंता सोमवार ठारु आरंभ हेबो ई सुविधा 1929 नंबर को फोन कले घर को जाई वरिष्ठ नागरिक कोविड परीक्षा कराइबो प्रेसमिट करी ई सूचना देछंती बीएमसी नुवा कमिश्नर संजय सिंह एतिसह टीकादान केन्द्र को जाई परनतिबा वरिष्ठ नागरिक को मध्य सहयोग करिबो बीएमसी वयस्क मानक टीकादान केन्द्र को आनी टीकादान परे पुणी घर को छाड़बार व्यवस्था कराइबो ताछड़ा आसंता 17 तारीख सोमवार ठारु अधिक केन्द्र में ड्राइव इन वैक्सीनेशन कराजिबो निजो गाड़ी में थाई कोविड टीका नहीं पारे हिताधिकारी कोविड संपर्कित सब समस्या समाधान पर हेल्पलाइन नंबर 1929 काम कर चिकित्सा परामर्श सांग को टीकाकरण और वरिष्ठ नागरिकों सुविधा पर यह नंबर में कल करने को पड़ कोविड लक्षण थे हेला नक 1929 को तुरंत फोन करने को परामर्श देते बीएमसी कमिश्नर संजय सिंह कोविड मुकाबला पर भुवनेश्वर टीकाकरण केन्द्र और कोविड शय्या संख्या बढ़ा से सूचना देते बीएमसी तरफ 1929 रो व्यवस्था करा जाइछि कॉल सेंटर रो व्यवस्था करा जाइछि ये कॉल सेंटर 24/7 काम करे आगु ए कॉल सेंटर रे 25 टी लाइन थिला वर्तमान ये कॉल सेंटर को आउरी सुदृढ़ करा जाइछि एवं वर्तमान सेथरे आउरी 5टा लाइन ऐड करा जाइछि सेथरे डॉक्टर्स रो परामर्श भी नहीं पारिबे जदि आपण को कौन सी संदेह होउछि आपण को कौन सी डाक्तरी परामर्श दरकार आपण को कौन सी इनफॉरमेशन दबा दरकार 1929 को आपण फोन करिवे एवं सेठी आपण डॉक्टर रो परामर्श नहीं पारिबे आमे डिसाइड करिछु कि 60+ सीनियर सिटिजन्स माने जो माने टेस्टिंग सेंटर को जाई पारु नाहंती कौन सी कारण रु से माने मध्य 1929 को कॉल करी परिवे तांकर लोकेशन एड्रेस से माने सेठी रजिस्टर करी परिवे एवं आमे मोबाइल टीम पठे करी तांकर घर को जाई तांकर सैंपल कलेक्शन पाई व्यवस्था करिबु ए व्यवस्था ता मंडे ठारु आरंभ हो जिवो 60+ सीनियर सिटिजन्स माने जो माने एका रहउछंती तांको पाखरे वैक्सीनेशन सेंटर को जीवा पाई व्यवस्था नाही से प्रकार रो सीनियर सिटिजन्स मध्य 1929 को कॉल करी परिबे एवं आमे तांकु फेरी करिवा पई तांकु घरु नहीं कि वैक्सीनेशन सेंटर रे आनी कि वैक्सीनेट करी कि तांकर घर को छाड़ीबा पई आमे व्यवस्था करू वर्तमान निर्णय निया जाइछि जे मंडे टू पुणी ड्राइव इन वैक्सीनेशन आरंभ हबो एवं ड्राइव इन वैक्सीनेशन पई स्लॉट बुकिंग आज टू आमे आरंभ करिवु या छड़ा आमरो जो बेड संख्या रहिछि भुवनेश्वर रे आपण माने जानी छंती आम पाखरे जहाँ बेड संख्या अच्छी से बेड संख्या को भी बढ़ेबा पई आमे ऑलरेडी कार्य योजना आमे करिछु ऑक्सीजन रो अवेलेबिलिटी की प्रकार रे बढ़ी पारिबो ता उपरे भी आमरो आखी अच्छी एवं मु आशा करूछि कि आगामी समय रे आमे आपण मानको सामना रे आउरी भलो व्यवस्था आमे आपण मानको देई पारिबु समग्र राज्य में कोरोना खेलाई देती आतंक और हस्पिटाल चली जीवन मरण भितर युद्ध एभली स्थित में किसी घर हस्पिटाल बेड आईसीयू वेंटिलेटर औषध बाबद मन इच्छा फी ने कोविड टास्कफोर्स मुख्य जसवंत जेठवा चेताई कोविड संकट बेलें जो हस्पिटाल रोगी शोषण करेंगे आईन अनुसार एक्शन निया कटक सहर एक कोविड हस्पिटाल ना सांघातिक अभियोग सेपटे ट्विन सिटी रे कोविड हॉस्पिटल रे आईसीयू बेड स्थिति जांच पई एसीबी मेडिकल कर्तृपक्ष गठन करिछंती चारि जणिया डाक्टरी टीम कटक जगतपुर यूनिक कोविड हॉस्पिटल ए हॉस्पिटल ना रे आसी छी रोगी शोषण रो सांघातिक अभियोग सीएमसी कमिश्नर को निकट रे दाखल होइतिबा तदंत रिपोर्ट अनुसार यूनिक कोविड हॉस्पिटल रो डिस्चार्ज होतुबा रोगी को हॉस्पिटल रो निजस्व औषध दुकान रो अति कम रे 3000 टंका रो औषध किनिबा पई बाध्य करा जाउछि ता पुनी बिना बिल रे केवल एतिकि नहि यूनिक कोविड हॉस्पिटल रो केलेंकारी आहुरी लंबी छी सरकारी रेकॉर्ड रे ए हॉस्पिटल रे 20 आईसीयू सहित 18 ऑक्सीजन बेड और 5 साधारण बेड रही वास्तव में रही मात्र 8 आईसीयू बेड बाकी सब ऑक्सीजन संयुक्त शज्ञा ए सब अनियमितता धरा पड़ा पर सीएमसी कमिश्नर कहते खूब शीघ्र यूनिक कोविड हॉस्पिटल को जारी करा जीवो कारण दर्शा नोटिस कंप्लेन पाई आम गोटे टीम पठाई देखापी से कौन व्यवस्था अच्छे कौन ना आम जो पाइल सेमती है जर जिते आईसीयू बेड हवा कथा था ताठ कम थी से तो से हिसाब से जो फाइनेंशियल कंपेनसेशन टाइम से हिसाब से काटबू
सीएमसी स्क्वाड्र तदंत रिपोर्ट दर्शाई जे हस्पिटाल आरंभर जो सब भित्तिमि दर्शाई हस्पिटाल कर्तृपक्ष हस्पिटाल चलार किसी दिन भितर ताहा गायब हो जाता अधिक रोगी भर्ती करने बाहन हस्पिटाल बारंडा डाक्तरों विश्राम गृह में बेड पकड़ा भित्तिमि अभाव कथा को हस्पिटाल कर्तृपक्ष परोक्षर स्वीकार करते रोगी शोषण अभियोग नहीं हस्पिटाल लोक संपर्क अधिकारी मुंड में अठा बोली आमर किंतु जो जेतिक जिंस रहिया कथा सेगुडा सब अच्छी आईसीयू आमर 20टा बेड एचडी होची 18टा बेड आउ जनरल पेशेंट पई 5टा बेड इंक्वायरी रिपोर्ट रे थरे सिना दिया छै तापर कोन आउ तापर कोन आउ इंक्वायरी हेनी मु कहली जे एगुडा सब आमे भलो उद्देश्य रे करथिलु किंतु एटा आमो पई बहुत खराब हला। कोविड हॉस्पिटल गुड़ी करे जीवन मृत्यु सह संग्राम करतबा रोगी मानुकु शोषण कथा सुनिया परे सैतान रो आत्मा मध्य सिहर उठिथिबो तबे कुचकर गोष्ठी एते कि कोंतु कि ए माने एई उपाय रे अर्जित होतबा अर्थरु केते परिमाण रो पूंजी कु निज चित्ता उपर रखी उपर को नै जाई परिबे एवं पृथ्वी रे संचय होइतबा ए अर्थ कु कोन से माने आकाश रे खर्च कर दे परिबे। कटक यूनिक कोविड हॉस्पिटल भली भुवनेश्वर सनशाइन हॉस्पिटल को मध्य कारण दर्शा नोटिस जारी करी बीएमसी कोविड रोगी कठारु चिकित्सा बाबद अधिक अर्थ आदाय अभियोग आसीबा परे हॉस्पिटल रे रेड करा जायछि। न्यूज 18 ओडिया को स्वतंत्र साक्षात्कार रे कोविड टास्क फोर्स मुख्य जसवंत जेठवा कहिसेंति खाली सनशाइन हॉस्पिटल काहेकि जेकोनसी हॉस्पिटल कोविड संकट बेले रोगी को शोषण करिवे से सब हॉस्पिटल विरोध रे आईन अनुजाई कार्यानुष्ठान नियाजिबो से बडे कटक रे जन आईएनजीबी कहिसेंति राज्यर अधिकांश कोविड हॉस्पिटल रे एबळी रोगी शोषण चालुथबारु हाईकोर्ट रे जनस्वार्थ मामला दायर करा जिवो रेड कराई थिला सेठी सब तांकर रेकॉर्ड्स को जांच कराई छि सीजर कराई छि औ तांकर जा जा चार्जेस इत्यादि से माने अदाय करूछंती फ्रॉम पेशेंट्स सेटा को वेरीफाई कराई छि सेथिरे किछि त्रुटि मध्य मिली छि औ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अनुसारे तांकर प्रोसीडिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑलरेडी आरंभ करिछंती। बर्तमान समय पहुंची जदि राज्य सरकार उपयुक्त पदक्षेप ननेबे आमे बाध्य ही माननीय हाईकोर्ट को जीवु यही जो नर्सिंग होम माने दलाल साजी आज साधारण असुविधा पड़ा कोविड महामारी आक्रांत होता रोगी मानक हरण करुँचे विपद समय जी साय कर जगह लुंठन करबत करने आवश्यक आईनगत कार्यानुषान ग्रहण कर एभली स्थित रे राज्य सरकार कठोर निष्पत्ति नेछंती। कटक भुवनेश्वर थिबा कोविड हॉस्पिटल रे आईसीयू बेड रे स्थिति जांच पई कटक बड़ मेडिकल कर्तृपक्ष चारिटी डाक्तरी टीम गठन करिछंती जो टीम विभिन्न हॉस्पिटल बोली आईसीयू सज्जा अन्यान्य आनुषंगिक व्यवस्था तदारख करिबे प्रकृत रोगी को आईसीयू वेंटिलेटर सज्जा मिलुछि कि नहीं तर जांच करिबे प्रतिदिन अपराह्न 5टा सुधा ए टीम राज्य सरकार को देबे रिपोर्ट। कटक रे रवेश महंती न्यूज 18 ओडिया। मानिलेनि सटडाउन कटकणा आमिष किणवाक राउरकेलार भिड़ सहर मुख्य मार्केट कहुवा डेली मार्केट महताब रोड अंचल चोरारे मंस बिक्री होता बेले सेठे राउरकेला महानगर निगम स्वतंत्र स्क्वाड पक्षर् चढ़ाऊ कर 50 केजी माछ और 40 क्विंटल मटन जबत कर दोकान को सिल कर लॉकडाउन और सटडाउन को संपूर्ण बेखातिर कर दोकान खोलिए दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण आरएमसी पक्षर् कह बारंबार कहला पर किसी कान में शुनि लोक भी एटी आसी भिड़ लगुच्च जोटा कि सटडाउन लकडाउन शनिवार दिन रहा भी मछ मंस दुईटा बिक्री कर लुचि चल बिक्री कर चढ़ कला दौड़ पल तो बाधी आम सका 6टा आज रेड कर 50 किलो खंड मछ 40 45 50 किलो खंड मटन सीज हो सारा जोटा कि डेस्ट्रॉय अलरेडी जा सारा अलरेडी। परवर्ती खबर को आसीबा नाइट कर्फ्यू रे धौली निकट भार्गवी नदी कूल रे घटीतिबा जगन्नाथ महाराणा हत्याकांड रो पर्दाफाश बखिया टंका पई बापा को सह शत्रुतार प्रतिशोध नेले पुओ एवं दुई अभियुक्त को गिरफ परे एहा जानिबा को पाइछि पुलिस आउ जणे अभियुक्त एबे भी फेरार अछि। संपर्क रे उभय गुरु शिष्य उभयंक ना भी समान हेले टंका पई कलंकित हेला गुरु शिष्य संपर्क बापा कला शत्रुता पुओ नेला प्रतिशोध नाइट कर्फ्यू रे ब्लेड रे काटिले पथर रे छेची मारिले भुवनेश्वर भार्गवी नदी कूल रे काठमिस्त्री जगन्नाथ महाराणा हत्याकांड घटनार पर्दाफाश करिछि धौली थाना पुलिस। धरा पड़िथिबा दुई अभियुक्त हेले अजय महाराणा और अनुप बार शुक्रवार एमानंकु गिरफ करिबा परे शनिवार कोर्ट चालान करिछि पुलिस। प्रकृत में व्यावसायिक
ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପାଇଁ ବୋଲି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଅନୁପ ବାରା ଓ ଏହି ହତ୍ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଅଜୟ ମହାରଣାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ ହେଲା ମୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣାଙ୍କ ପାଖରେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରଠୁ ଶିଷ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଲଗା କାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବକେୟା ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା। ବାପାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାକୁ ଯୋଜନା କଲା ପୁଅ ଅଜୟ। ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁନ୍ନା ଓ ଅନୁପ। 2 ତାରିଖ ରାତିରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମଦ ପିଇବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲେଡ୍‌ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତଣ୍ଟିକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ପରେ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କଲେ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ପାଖରେ ଥିବା କାଗଜପତ୍ରକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୁରୀର ସେଇ ମାଲିକ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ବରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣା ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଥିଲେ ଓ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚବାଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁନାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ପ୍ରୟାସ ଜାରି। ସେହିପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ନେଟୱର୍କ 18 ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ମିଳୁ। ଟିକାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନେଟୱର୍କ 18 ଏବଂ ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆପୋଲୋ 24x7।